नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी संविधान दिवस पर राहुल गांधी के साथ हुई गुगली की, महाराष्ट्र में चल रहे कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सीजन 2 की और दिल्ली में बीजेपी की नई धुआंधार रणनीति की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। पाक हिंसक हुआ इमरान की पार्टी का मार्च, 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए, सेना को मिला देखते ही गोली मारने का आदेश। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत ने जताई चिंता। राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान, 20 दिसंबर को मतदान चुनाव। संविधान दिवस के कार्यक्रम में अचानक बंद हुआ राहुल गांधी का माइक, पार्टी नेताओं ने की नारेबाजी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वक्फ पर जेपीसी की बैठक कल दोपहर 3 बजे होगी। चंडीगढ़ नाइट क्लब के बाहर हुए 2 बम धमाकों की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली। संभल हिंसा के बाद बिजनौर में भी हाई अलर्ट, ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। 2 दिन मजबूत होकर फिर लाल निशान पर बाजार, सेंसेक्स 105 अंक फिसला, निफ्टी 24,200 के नीचे। देश के 78 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर, पैन कार्ड को लेकर आया नया नियम। हेडलाइंस के बाद स्वागत है आपका खबरें अब तक में। अब वक्त हो गया है खास रिपोर्ट्स की ओर बढ़ने का। आज संविधान दिवस पर राजनीति का अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक कार्यक्रम में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए फिर ऐसा बयान दिया जैसे उन्होंने कोई ऐतिहासिक वादा कर दिया हो। वो बोले, जहां भी हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, मानो ये कोई नई खोज हो और देश की सारी समस्याओं का हल बस यही हो। तेलंगाना को उदाहरण देते हुए बोले, वहां तो हम जातिगत जनगणना को जनता का एक्सरसाइज बना रहे हैं, जैसे तेलंगाना की सरकार ने ये काम कोई खेल समझ लिया हो। मगर पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई, अब इसके बाद जो हुआ वह सच में लाजवाब था। जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू की, अचानक बत्ती चली गई और उनका माइक बंद हो गया। इस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने सोचा, चलिए राहुल को चुप कराते हैं, माइक ऑफ कर दिया जाए, फिर क्या था। भले ही अचानक हुआ तो किसी की साजिश ना हो, फिर भी राहुल गांधी को तैश आ गया। जब माइक वापस चालू हुआ तो वो बोले कि देश में जो भी आदिवासियों, दलितों और गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3,000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना, माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। फिलहाल जातिगत जनगणना से क्या ही कर लेंगे राहुल, ये सवाल कुछ लोग जरूर उठा सकते हैं। मगर भले ही कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में हालात अच्छे ना हो, लेकिन जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी का अडिग रहना ये दिखाता है कि उनकी राजनीति अब भी वही पुरानी रट से बाहर नहीं आई। तो चाहे माइक बंद हो या बत्ती जाए या फिर चुनावी नतीजे हाथ से निकल जाए, राहुल गांधी इसकी रट नहीं छोड़ने वाले। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। महाराष्ट्र में राजनीति अब सच में बॉलीवुड के ड्रामे जैसी बन गई है। एक उद्धव से निपटे तो दूसरा उद्धव सामने आ गया और बीजेपी की बैसाखी पॉलिटिक्स फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई। सीएम पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो रस्साकशी चल रही है वह मानो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सीजन 2 हो। 132 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे तो सीएम बनूंगा चाहे जो हो जाए की तर्ज पर चल रहे हैं, जबकि बीजेपी को 12 विधायकों की और दरकार है। अब सवाल ये है कि बीजेपी गठबंधन बचाने के लिए कितना और झुक सकती है, क्योंकि उसे तो हमेशा से छोटे भाई की भूमिका निभाने की आदत हो गई है। बात करें 1995 की, जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब बीजेपी को छोटे भाई की ही भूमिका मिली थी। मनोहर जोशी सीएम बने, गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम और बीजेपी ने हमेशा बैसाखी पर राजनीति की। फिर पिछले कुछ सालों में जब बीजेपी लीड रोल में आना चाहती थी तो गठबंधन में तनातनी शुरू हो गई।
2019 में सीएम पद की महत्वाकांक्षा ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए, लेकिन अब वही पुरानी कहानी फिर से वापस आ गई है। और तो और एकनाथ शिंदे जिनकी सीटें कम हैं, सीएम बनने की जिद पर अड़े हैं। ये वही जिद है जो उद्धव ठाकरे ने 2019 में दिखाई थी, जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई। अब बीजेपी के सामने एक नया उद्धव शिंदे के रूप में खड़ा है। सवाल यह है कि बीजेपी इसे कैसे निपटेगी? क्या उसे शिंदे को साइडलाइन करना चाहिए या फिर पुराने रिश्ते निभाने के चक्कर में इसे मानना पड़ेगा? कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति हमेशा से ठाकरे परिवार की हिंदुत्व की बनाई जमीन पर खड़ी रही। बाला साहब ठाकरे ने जिस जमीन पर बीजेपी को खड़ा किया, अब वही जमीन उनके बाद के उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच बंटने की कगार पर है। फिलहाल बीजेपी चाहे जितना भी बैसाखी पकड़ ले, लेकिन अब महाराष्ट्र में फिर से वही पुरानी किच-किच देखने को मिल रही है। इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। बीजेपी की मास्टर माइंड रणनीति अब किसी सीक्रेट मिशन से कम नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी का जोश तो मानो सातवें आसमान पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है और बीजेपी के रणनीतिकार पूरी तरह से तैयार हैं। उनके पास जो फॉर्मूला है वह एकदम धुआंधार और दमदार है। एक ओर जहां लाडली बहना योजना जैसे बिन बुलाए तोहफे के साथ बीजेपी दिल्ली में सेंध लगाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं घोषित करने का जोखिम उठा रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं। यह है बीजेपी की मास्टर प्लान की जादूगरी। अब समझिए बीजेपी के इस फैसले के पीछे की सच्चाई। दरअसल पार्टी ने पिछले एक साल में जो चुनावी शतरंज खेला, उसमें बिना चेहरा घोषित किए ही राज्यों में धमाल मचाया। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में से पांच में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और इन सब का एक ही राज था, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। बीजेपी इस बार चाहती है कि चुनाव सड़क की हालत, सीएम आवास के खर्च जैसे मुद्दों पर हो, ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की खींचतान पर। आम आदमी पार्टी की सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए बीजेपी का मानना है कि इस बार ये रणनीति दिल्ली में भी काम करेगी। अब सवाल ये उठता है कि बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने का क्या फायदा? बीजेपी के दिग्गजों का मानना है कि जब कोई चेहरा नहीं होगा तो चुनाव केवल मुद्दों पर ही होगा। फिलहाल तो क्या बीजेपी की ये मास्टर माइंड स्ट्रैटेजी दिल्ली में भी रंग लाएगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, चेहरे की लड़ाई से ज्यादा मुद्दों की लड़ाई होने वाली है। ये बीजेपी की सबसे खतरनाक और चतुर चाल है, और अगर ये कामयाब होती है तो बाकी पार्टियों के लिए सवाल उठ जाएगा, बिना चेहरे के भी इतना दमदार कैसे? फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे, वे जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन्हें मणिपुर में पिछले 1.5 साल से जारी हिंसा और वहां के लोगों की दुर्दशा पर शर्म आनी चाहिए। मणिपुर केवल सिसक नहीं रहा बल्कि दहाड़े मारकर रो रहा है। वहां की महिलाएं विधायकों के घरों पर जाकर छाती पीट पीट कर चीख रही हैं। आए दिन आने वाले दिल दहला देने वाले वीडियो इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आपको भी ये लग रहा है कि मणिपुर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप गलत हैं। वहां की दिक्कतें अभी भी इतनी हैं जिनका बखान भी नहीं किया जा सकता। कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद तीसरे कार्यकाल में बैसाखियों पर चल रही केंद्र की सरकार संघ प्रमुख मोहन भागवत की झिड़कियों को सुनकर ही सही मणिपुर के हालात सुधारने की कोई ठोस पहल करेगी, लेकिन सरकार ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मणिपुर की हालत न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि जातीय और राजनीतिक समस्याएं अगर समय पर नहीं सुलझाई गई तो पूरे समाज को तोड़ सकती हैं। मणिपुर की भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है, फिर भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। और तो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। मणिपुर में तुरंत बदलाव की जरूरत है। राज्य के लोगों का विश्वास राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों से उठ चुका है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।